हजरत मोहम्मद हुसैन मंसूर, मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज कहां मारे गए, इसी फिक्र में तो कि मेरी बहन जाती कहां है। हाय हाय, बात आगे बढ़ाने से पहले बात याद आई, शेख मुहक्किक की बात अर्ज करने से पहले बात याद आई, कैसी उस जमाने की पाकीजा बेटियां थी, फिर भी घर वाले उन पर कितनी कड़ी नजर रखते। मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज की बहन अल्लाह की वलिया थी, रोज रात मुसल्ले पर इबादत करती, और जब इशारे होते कि हमशीरे इब्ने मंसूर अब जरा आ भी जा तेरे लिए जाम उतरते हैं, तो मुसल्ला छोड़कर वो जाम पीने जाती जो अर्श से उतरता था। एक रात भाई को फिक्र हुई, बहन जाती कहां है, रात मुसल्ले पर गुजारती लेकिन आखिरी पहर में जाती कहां है, इसके मुसल्ले पर इबादत करने पे इतबार न कर, इसका पीछा कर, ये जाती कहां है। जहन में ख्याल आया, अल्लाह के बड़ी पारसा आबिदा जायदा मुत्तकियां थी, जिसकी पूरी रात मुसल्ले पर गुजरती, भाई उस बहन के लिए फिक्र करता है कि वो जाती कहां है। अल्लाह याजु बिल्ला, आज तो बेटियां सीरियल देखती हैं लेकिन भाई को फिक्र नहीं जाती कहां है। तो मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर अल्लाज बहन के पीछे पीछे चले, दबे कदम की जाती कहां है, लेकिन वो बहन थी मंसूर की, उर्फ में जिन्हें दुनिया मंसूर कहती है, हालांकि वो इब्ने मंसूर है, इब्ने हल्लाज की बहन थी। जैसे जंगल में कदम रखी, पूरा जंगल रोशन हो गया, और आसमान से सोने की जंजीर में लटका हुआ एक जाम आया, जैसे उठाया उस जाम मारिफत को और मुंह लगाया, तो यहां मुंह में पानी आया, इसलिए कि वो जाम जाम मारिफत था। बहन से कहा, कसम जिसने तुझे ये जाम पिलाया उसी की कुछ बचा भी दे, दो कतरे बचाए हैं। बहन उस मंजिल पर थी कि वो पीकर हल में मजीद का नारा लगाती थी कि और चाहिए, लेकिन भाई भाई होकर भी उस मंजिल पर न पहुंच सका था। दो कतरे पी करके जब सारे पर्दे उठे तो हर चीज कहती थी कि अब कत्ल का हकदार कौन है, तो वो कहते थे अनल हक, मैं इसका हकदार हूं। लोगों को चीजों का सवाल तो नजर न आया, इब्ने मंसूर का जवाब नजर आ गया, तो लोगों ने कहा ये तो काफिर हो गया, चढ़ा दो इसको सूली पर, और चढ़ा दिया गया सूली पर। बहने शान की होती थी जब भाई शान की होती थी, लेकिन आज तो भाई भाई किसी में अटका हुआ है, वो किसी के घर के चक्कर लगा रहा है कि ये बाहर निकलेगी तो मैं मुलाकात करूंगा, फोन कर रहा है मोबाइल पर कि कोई मिल जाए तो इस पे लंबी लंबी बातें, फोन पर जिसको देखो बैठा हुआ है रात में बातें कर रहा है, पैसे जाए कर रहे हो। ये बात मेरी कड़वी जरूर है लेकिन है सबके फायदे की, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। फिर वही हालात है, कमा तदीन उतदान, तुम किसी के साथ लगे हो लंबी लंबी बातें करने, तुम्हारी बहन किसी के साथ लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।